हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो हमने चैप्टर देखा 3 डिमांड, जिसके हम अंदर हमने रिलेशनशिप बताया डिमांड एंड प्राइस का, कि जैसे जैसे डिमांड इन जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होगा उस तरीके से डिमांड फ्लक्चुएट होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये हमने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो हमने यहाँ पर ये रिलेशन देख लिया कि एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज होता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी से रिलीज होता डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो हमें नहीं पता। हमें क्वांटिटी नहीं पता, खाली हमें इतना पता है कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज होगा इन डिमांड। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्राइस के कितने प्रपोर्शनेट इंक्रीज होने से डिमांड पर उतना प्रपोर्शनेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस। ये हमने देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड है। द लॉ ऑफ डिमांड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे हमने ये डायरेक्शन निकाल लिया, किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो हमें पता है, लेकिन बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड द अमाउंट और द एक्सटेंट बाय विच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि किस क्वांटिटी कितने मैग्नीट्यूड से डिमांड हमारा चेंज होगा। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। MCQs के लिए, वन वर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वॉज डेवलप्ड बाई प्रोफेसर मार्शल इन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कितना डिमांड, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है इन डिमांड ड्यू टू एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब वो प्राइस भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है, इन्फीरियर गुड्स भी हो सकते हैं, गिफ्ट इन गुड्स भी हो सकते हैं। सो ये जो सारे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, इनके चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा वो हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आउट ऑफ द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देर आर 3 क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो 3 फैक्टर्स है, 3 डिटर्मिनेंट्स है ऑफ डिमांड, क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स, दैट इज प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों जो है वो हमारे क्वांटिटीज बताते हैं। प्राइस इज अ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगेन प्राइस में डील कर रहा है, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते, लेकिन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसको हम क्वांटिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि खुद के गुड्स की प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, हमारे गिवन गुड इज टी, राइट? अब अगर मैं ये बोलूँ कि टी के प्राइस के चेंज होने की वजह से टी की डिमांड में क्या चेंज है, सो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि शुगर के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मेरी खुद के डिमांड में क्या चेंज है, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब हम खुद जिसकी हम डिमांड देख रहे हैं, हम उसकी प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम दूसरे गुड्स की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब दूसरे गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से हमारे गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड द लास्ट कम इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना डिफरेंस आएगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. आपको ये लर्न करना है, आपको सारे डेफिनेशंस लर्न करने हैं. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी. इट मीन्स दैट हमारी खुद की डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है खुद की प्राइस की वजह से. फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ एंड द प्राइस ऑफ टी. हमारी डिमांड कितना किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है विद द चेंज इन प्राइस ऑफ टी, उसे कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हमने ये तो समझ लिया कि परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है या डिमांड, या फिर कितना रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी डिमांड, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा. सो यहाँ पे दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड. एक बार हम वापस से इसको क्लियर करेंगे. इलास्टिसिटी का मतलब आप एक रबर, आपके पास एक रबर है, रबर इज़ सर्कल. सो आपके पास एक रबर है, आप इस पर कितना प्रेशर लगाओगे तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा. तो ये क्या बताता है, रबर की इलास्टिसिटी, कि आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो रबर थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, यानी वो उसकी इलास्टिसिटी है, राइट. यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब कि आप अगर 1 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहे हो, 1 रुपीज़ एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हो, तो कितनी, बाय हाउ मच हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी. यहाँ पर प्राइस हो गया फोर्स और डिमांड हो गई हमारा इलास्टिक, कि आपने कितना फोर्स लगाया, आपने कितने रुपीज़ से प्राइस चेंज की, तो हमारी डिमांड कितने रुपी, कितने क्वांटिटी से डिक्रीज हुई, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. परसेंटेज मेथड में सिंपली क्या करना है, हमें इलास्टिसिटी निकालनी है डिमांड की. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब कि सपोज एक क्वांटिटी है जिसकी हमें प्राइस गिवन है, जिसकी हमें प्राइस गिवन है 1, 2, 3, और हमारी डिमांड गिवन है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगी 10, 8, 5. सो अब यहाँ पर कितने परसेंटेज से हमारा डिमांड डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम कैसे निकालेंगे. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितने परसेंट से हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो उससे हमारा आ जाएगा परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इस पूरे को, ये हमारा फॉर्मूला है किस तरीके से हम स्टेप्स निकालेंगे. फर्स्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल पहले था 8, अब हो गया, पहले था 10, अब हो गया 8, यानी कितना चेंज हुआ है, 2. तो यहाँ पर चेंज आएगा 2 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इज़ 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 10. सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमें देगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जैसा कि हमें पहले न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट स्टेप हमारा है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो कैलकुलेट होगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट. चेंज इन क्वांटिटी हमने देख लिया कैसे निकलेगा चेंज इन क्वांटिटी, फर्स्ट सेकेंड. तो चेंज कित, पहले था 10, फिर हो गया 8, सो 8 माइनस 10 हमारी होगी चेंज इन क्वांटिटी. फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस वॉज आर परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड के अंदर ही एक और मेथड आता है, प्रपोर्शनेट मेथड. प्रपोर्शनेट मेथड जो यहाँ पर हमने अलग से सॉल्यूशन किया है, अलग से कैलकुलेशन किया है, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम हमारे मेन क्वेश्चन में कर देंगे, वो हो गया हमारा प्रपोर्शनेट मेथड. फॉर एग्जांपल जैसा हमने यहाँ पर किया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. सो यहाँ पर हम इलास्टिसिटी निकालने के लिए ऊपर चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में लिखेंगे चेंज इन पी अपॉन पी डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज चेंज इन पी अपॉन पी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इस तरीके से हमारा आ जाएगा प्रपोर्शनेट मेथड. लेकिन एग्जाम में अगर आपको प्रपोर्शनेट मेथड करना हो, सो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू. इससे सॉल्यूशन हमारा थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा.
सो अगर आपके एग्जाम्स में स्पेसिफिकली बोला गया हो कि आपको परसेंटेज मेथड यूज़ करना है तो आप परसेंटेज मेथड यूज़ करेंगे, एल्स प्रोपोर्शनेट मेथड इज़ ईजी एज विथ रेफरेंस टू द कैलकुलेशन पार्ट. सो प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला इज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू. लेट्स सी इलस्ट्रेशन वन. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड राइजेज फ्रॉम 4 to 5 यूनिट्स. सो हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है जिसमें हमारी डिमांड, हम हर क्वेश्चन में अगर इनिशियली आप टेबल बनाओगे तो ईजी रहेगा. सो फर्स्ट हमारी डिमांड थी 4 to 5, हमारी राइज हो गई. ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल हुआ 10 to 8. सो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज मेथड यूज़ किया है. सो हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा. चेंज इन क्वांटिटी दैट इज़ 1 / 4 मल्टीप्लाइड बाई 100. 5 - 4 = 1. सो 1 / 4 मल्टीप्लाइड बाई 100. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 25 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइज इज 8 - 10 / 2 दैट इज 20. अब अगर यहाँ पर हमेशा आपको सेकेंड माइनस फर्स्ट करना रहेगा. सो यहाँ पर हमारा साइन हमारा आंसर आया है -1.25. आप -1.25 लिखो या फिर 1.25 लिखो, वन एंड द सेम, क्योंकि यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी पता चल रही है. सो इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती. तो आप -1.25 लिखो या 1.25 लिखो, योर आंसर विल बी सेम. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2. व्हेन प्राइस राइजेज़ फ्रॉम 8 to 10. अब यहाँ पर प्राइस राइज हो रही है 8 to 10 एंड यूनिट्स फॉल हो रही है 5 to 4. सो यहाँ पर बस रोटेट कर दिया. सो यहाँ पर भी आपको सेम करना है. 4 - 5 / 5 / 100. 10 - 8 / 10 / 100. दोनों का परसेंटेज चेंज आ जाएगा. फिर परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो नाउ हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है. ऑलवेज कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू. जैसे हमारा -1.25 आया था, सो हम -1.25 ना लिख के 1.25 लिखेंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है. इलास्टिसिटी इज़ अफेक्टेड बाई परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज होगा तो इलास्टिसिटी इफेक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाई एब्सोल्यूट चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस, रेदर इट्स वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ 1 and 2 इलस्ट्रेशन चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज 1 unit. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड 1 unit ही था. 4 to 5 और यहाँ पर भी कितना हुआ, 5 to 4. यहाँ पे प्राइस कितना फॉल हुआ, 10 to 8, मतलब 2 से प्राइस फॉल हुआ. यहाँ पर 8 to 10 प्राइस इंक्रीज हुआ. मतलब जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज सेम, उसके बावजूद भी जो हमारा आंसर आया है वो वेरी किया है. नीचे है 0.8, ऊपर आया हमारा 1.25. हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, लेकिन क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है इसलिए हमारा इलास्टिसिटी भी डिफरेंट आई है. सो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंट इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंट. एब्सोल्यूट वैल्यू अगर चेंज होगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड और प्राइस चेंज हो रहा है उससे हमारे इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ता है. देन कम्स टू ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड वॉज सजेस्टेड बाई प्रोफेसर मार्शल इन एंड इज यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑन डिमांड कर्व. सो जनरली ये मेथड जो है डिमांड कर्व के लिए यूज़ होती है. दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल मेथड और पॉइंट मेथड और आर्क मेथड. जहाँ पर ग्राफ्स आते हैं वहाँ पर हम ये मेथड को यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड. यहाँ पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थियोरेटिकली ये क्वेश्चन आ सकता है. सो यहाँ पर हमारी पहले डिमांड